लाइट ऑन कर। हाँ, ये कौन है? ए, कौन है तू? ए, कौन है मैं तू? अपनी जान कह रही है तो यहाँ से भाग जा। चुपचाप यहाँ से चला जा। ए, मर्द का बच्चा है तो सामने आ, शक्ल दिखा। प्यारे हीरो, जान प्यारी है तो भाग जाए यहाँ से। आईपीसी सेक्शन 366 के मुताबिक एक लड़की को किडनैप करना या शादी के लिए जबरदस्ती करना बहुत बड़ा क्राइम है, समझे बच्चों? का लॉयर है बे, हैं? अपने आप को हीरो समझता है क्या? दिमाग का दही मत कर। जब शहर के हर ऑटो के पीछे और सिनेमा हॉल के सामने मेरा फोटो दिखेगा तो समझ जाएगा मैं कौन हूँ। बहुत है कोई डायलॉग बाजी, चल जाके खत्म कर दे इसको। लड़की को उठाओगे तो सिर्फ लड़की वाले ही मारेंगे, और अगर शादी के मंडप से उठाओगे तो लड़की वालों के साथ साथ लड़के वाले भी तुम्हारा कचूमर निकाल देंगे। धारा 506 धमकाने के लिए, धारा 460 चीटिंग के लिए और धारा 120 भी ऐसे क्राइम के लिए, सब एक साथ लग जाएंगे। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई, मैंने लड़की और लड़के दोनों के घर वालों को धमकाया, उन्हें मारा भी, पर तुमने भी तो कानून को अपने हाथ में ले लिया है भाई, तुम्हें कौन सी धारा लगेगी बताओ? एकदम करेक्ट सवाल, लेकिन जब हीरो मारता है ना तो कोई धारा नहीं लगती। हेलो, मेरी दुल्हन मिल गई? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? कहाँ है वो, कैसी है वो? अबे घनचक्कर, टेंशन छोड़ यार, आधे घंटे में तेरी दुल्हनिया तेरे पास पहुंच जाएगी, पहले जरा डील तो कर ले। हाँ? डील? अबे दोस्ती में डील कैसी, और वो भी अपने लंगोटिया यार से। कितने में खरीदा है इसे? हेलो, अबे कहाँ गायब हो गया? साले को दहेज कितना मिलेगा? 4 लाख और एक कार। हेलो, साला इस लल्लू को दहेज में गाड़ी मिल रही है फिर भी मुझे पैसे देने में रो रहा है, अभी तो जितना सोचा था उससे ज्यादा मांगूंगा। अब हेलो सुन, मान लिया कि सारी मलाई तू अकेला खा जाएगा, पर बचे खुचे माल पर तो मेरा भी हक बनता है ना। चुपचाप 4 लाख में से 50,000 मेरे अकाउंट में डाल दे। अरे ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली तुझे? देख फालतू बात मत कर, तुझे 50,000 प्यारे है या फिर अपनी दुल्हनिया? मुझे बस लड़की चाहिए। तो आधे घंटे में जैन मंदिर के सामने पैसे लेके आ जा। ओके। अपन का तो एक ही उसूल है, दोस्ती हो या फिर कोई और रिश्ता, पैसों के आगे कुछ नहीं टिकता। हाँ। तुम जरा पीछे ही रहो, पहले हम जरा बात तो कर लें। जरा देख तो इसे, दुल्हन के कपड़ों की इस्त्री भी नहीं उतरी, इतना संभाल के लाया हूँ इसे। तुमने तो आज हनुमान बनके मेरी सीता को बचा लिया, थैंक यू वेरी मच। मैं अपने बेटे का नाम तुम्हारे नाम पर रखूंगा। और अगर बेटी हुई तो तुम्हारी माँ के नाम पर रखूंगा। एक भाई, ये बड़ी बड़ी बातें किसी और को सुनाना, इस विकी को सिर्फ पैसों की भाषा समझ में आती है। वो सब छोड़, चलना जल्दी से माल निकालना। अरे वाह, ये ले। सारे ने अपनी औकात दिखाई दी।
3000 कम है इसमें। अरे नहीं यार, पूरे पैसे हैं। अबे ये बात है तो लगा 30,000 की शर्त। अरे बाप रे, तुझसे चलाकी करना मतलब अपनी बैंड बजवाना। अरे तू जहाँ पढ़ता था मैं वहाँ का प्रिंसिपल था। पर बिना देखे पता कैसे चल गया? तू इंसान है या फिर कोई स्कैनिंग मशीन है भाई? अबे मारवाड़ी, भाभी के आने की खुशी में पार्टी देगा ना? यहाँ मेरी जेब लूट गई और तुझे पार्टी की पड़ी है? ए, कल घोड़ी पे बैठ के बारात लेके आ जाना। सिस्टर सही कहा ना? हाँ, घोड़ी तो चढ़नी पड़ेगी। सीखो कुछ दुल्हन से। शादी होने के बाद ना बड़े प्यार से रहना और हंसी खुशी अपनी फैमिली शुरू करना। चल तुझे घोड़ी चढ़ने के लिए तैयार करता हूँ। 2 मिनट जाओ सिस्टर, जाओ तुम अपने घर जाओ। ठीक है, जाओ हम इसको तैयार करके कल ले आएंगे। ठीक है, जाओ जाओ। अरे सालों, कुत्तों मेरी होने वाली दुल्हन से बात तो कर रहे हो एक बार। एक तो तू शादी करके सबसे पहले शहीद होने जा रहा है और तू चाहता है कि हम इस बर्बादी में तेरा साथ दे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अगर इतना ही खुश है तो पहले हमें पार्टी दे। चल भाभी, भाभी ये दरवाजे पे ग्रिल किसने लगा दी? ये खोल क्यों नहीं रहा है? ओए अरे भैया आप, अरे दरवाजा खोलिए ना, खिड़की खोलने की क्या जरूरत है? भगवान, दरवाजा शिफ्ट कर दिया क्या? तूने इतनी पी ली है कि दरवाजा और खिड़की में फर्क ही भूल गया क्या? क्या हाल बना लिया है तूने अपना? कितना भी समझाऊं तुझे समझ में नहीं आता। छोड़ो भी, शुक्र मनाओ कि शराब पी के भी घर तो लौट आता है। कहीं और जाता तो कहां ढूंढते फिरते इसे। अंदर आ जाओ। ये हार फूल अंदर रेस्टियो ले गया। अरे चलो चलकर खाना खा लो। एक मिनट, चाटते रहते हैं। कितनी शराब पीता है। अरे ये क्या कर रहे हो? देखा आपने, मैंने टब में से पानी निकाल के पिया है, शराब नहीं पी। अब मान गए ना कि मैं सही हूँ? मेरे भाई ये कोई टब नहीं है, मतलब एक्वेरियम है। मैं कमरे में जाता हूँ, उसे तो शिफ्ट नहीं किया ना। तेरी उम्र के सारे लड़के डॉक्टर और इंजीनियर बन गए और तू शराबी बन गया है। आपकी उम्र के लोगों ने कार शोरूम बना ली है लेकिन आप अब तक अपना पुराना गैरेज लेके बैठे हैं। इस बात को लेके मैंने कुछ कहा आपसे? सुनिए, इसके लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ के इसकी शादी करवा देते हैं, अपने आप सीख जाएगा। इसके साथ उसकी भी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं होगी, ये मेरा वादा। आप लड़की देखना शुरू कर दो, अब मैं सोने जा रहा हूँ। सुबह जल्दी उठ के जाना है। गुड नाइट, बाय बाय, शब ख़ैर। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी। ओए ओए ओए, रुक, भिखारी कहीं के कहां चला आ रहा है? तेरे बाप का घर है क्या? तेरी इतनी हिम्मत तू मुझे रोकता है? अबे कोई बताओ इसे मैं कौन हूँ? तुझे पता है मैं इस कंपनी का सीईओ हूँ। मैं नया हूँ तो क्या मतलब, कुछ भी बोलेगा तू? चल भाग यहाँ से भिखारी कहीं का। भिखारी बोलता है मुझको तू? मैं यहाँ का बॉस हूँ। मैं कहूँगा मैं यहाँ का एमडी हूँ तो मान लेगा क्या? अबे कोई गधा भी नहीं मानेगा कि तू यहाँ का एमडी है। तो वो उल्लू ही होगा जो कहेगा कि तू यहाँ का बॉस है। मुझे बेवकूफ मत बना। इसकी तो ये देख मेरा आईडी। हमारे बॉस का आईडी तेरे पास कहाँ से आया? पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। बिल्ली मुझे से, मैं अभी किसी को बुलवा कर मैं इसे नौकरी से निकलवा देता हूँ। भिखारी के पास फोन? देखा, देखा देखा, अब तो समझ जा। इतना महंगा मोबाइल मेरे पास है और तू मुझे यहाँ से बाहर निकालने की बात कर रहा है? जरूर ये चाइना का सस्ता माल होगा, मुझे पागल समझा है क्या? भिखारियों की लाइफ पे प्रोग्राम बनाने के लिए मैं सब कर रहा हूँ, तू मुझे नौकरी से निकलवाएगा क्या? चल निकल यहाँ से, भाग। जाता है कि कुत्ते छोड़ू तुझे। चल भाग, वहाँ जाके बैठ जा। इसकी तो अगर किसी और चैनल को पता चल गया कि कंपनी की सीईओ को एक वॉचमैन ने निकल कर बाहर फेंका है तो ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी। क्या जमाना आ गया। हाँ देख लूंगा क्या करूँ इसका मैं। साला ऐसे वक्त तो दिमाग भी काम नहीं करता है। अरे सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? देखा तुमने, ये मुझे अंदर ही नहीं जाने दे रहा है। इसकी इतनी हिम्मत, अभी देखती हूँ इसे। फिर से आ गया। अरे तुम्हें पता है ये कौन है? ये हमारे सीईओ है, हम सबके बॉस। सॉरी सर, मैंने आपको पहचाना नहीं, मुझे लगा आप भिखारी हैं जो भीख मांगने निकले। तो? चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो मैं भी यही करती। सॉरी सर, पर आपका हुलिया ही ऐसा है ना। नॉनसेंस, उस सिक्योरिटी गार्ड को मेरे टैलेंट की पहचान ही नहीं है। भिखारी बनने में क्या टैलेंट सर? दोस्तों, मैं आपके बीच रहने वाला एक आम इंसान हूँ। ये गई जगह। आज के इस इंटरनेशनल भिखारी डे पर मैं आपको उनकी कुछ खास बातें बताने वाला हूँ। इस देश में जहाँ 90% लोग करियर के नाम पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चुनते हैं, वहीं यहाँ के भिखारी कितना कमाते हैं ये आप सोच भी नहीं सकते। इसके लिए मैं खुद भिखारी के बेश में रिसर्च करने निकला तो ये जानकर हक्का बक्का रह गया कि एक भिखारी करीब करीब 2,400 रुपया कमा लेता है, वो भी 3 घंटे में। हमने पूरा हिसाब किताब कर लिया, आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले
आपको मिलवाते हैं हमारे मेहमान भिखारी कन्नप्पा से। नमस्कार। भिखारी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होने के नाते आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मुझे ये देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि आज आप भी एक भिखारी लग रहे हैं। इसीलिए तो आप इतनी कमाई कर पाए। एक बात तो आपको समझनी होगी सर, भीख देकर लोग अपने सारे पापों का प्रायश्चित करते हैं। हम पर कोई ऐसा नहीं करता सर, और भीख कौन नहीं मांगता? टीआरपी बढ़ाने के लिए आपने भी मांगा। ये तो मुझे ही लपेट रहे हैं। हम भीख के इस जंजाल को और अच्छी तरह से समझेंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। ठीक है सर। ये नैना किधर है? उसने कहा था ब्रेकफास्ट के लिए कुछ ब्रेकिंग न्यूज लाने वाली है। लंच टाइम हो गया और अभी तक उसी का आता पता नहीं, कहां पर खो गई है? जाओ पता लगाओ उसका। गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं, प्लीज मेरी मदद करो। दूंगा पर 1,000 रुपए लूंगा। हाँ दे दूंगी, चलो तो सही। आज तक कोई काम फ्री में नहीं किया। वैसे वो गुंडे तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? क्योंकि वो चिकन और मटन में डॉग का मीट मिला रहे थे और मैंने वो शूट कर लिया इसीलिए। ओह, ब्रेकिंग न्यूज बनाने के चक्कर में तुम खुद ब्रेक हो जाती तब पता चलता। और सुनो, लोगों को जो भी खाना है वो खाएंगे, तुम उन्हें कोई भी सच्चाई दिखा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये शुक्र है कि तुम पकड़ी नहीं गई, वरना वो लोग तुम्हारा भी मटन बनाकर बेच डालते। हेलो, रुको रुको, एक बात याद रखो, जब कोई लड़की मदद मांगे ना तो बिना अपना फायदा देखे उसकी मदद करनी चाहिए। पुलिस वाला हो, मीडिया वाला हो या फिर वकील हो, कोई बिना पैसों के काम नहीं करता। चलो पैसा दे दो, चलो। उन गुंडों के हाथ लग जाती तब पता चलता कि फायदा उठाना किसे कहते हैं। अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल गया ना, चलो अब निकलो यहाँ से। अगली बार ना इस काम के 5,000 दूंगा। अरे जा जा, सुबह सुबह मैंने किसका मुंह देख लिया।